हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम नोटिस के बारे में, जो कि अभी अभी आरआरबी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। तो आरआरबी की वेबसाइट पे ये नोटिस पब्लिश हुआ है, हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये ऑफिशियल नोटिस है या नहीं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी फेक नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। तो फेक नोटिफिकेशंस जरूर आई हैं, लेकिन ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो ये rrbcdg.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .gov.in है मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप इनकी बाकी चीज़ें भी देख सकते हो। बहुत सारी पुरानी नोटिफिकेशंस भी पड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपकी ऑफिशियल है। और एग्जाम फी रिफंड की नोटिफिकेशन भी कल आई थी, तो ये आपकी 1/7/2021 आज पब्लिश हुई है, नोटिस ऑन 7th लास्ट फेज, तो आप इसे देख सकते हैं, जो कि ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें आपके इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज प्रपोज्ड टू कंडक्ट द 7th दैट इज लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आखिरी स्टेज होगा, ये 23rd, 24th, 26th and 31st July 2021 को अराउंड 2.7 लाख कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट की जाएगी। तो आरआरबी एनटीपीसी का 7th और लास्ट फेज जो एग्जाम है वो 23, 24, 26 और 31 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 2.78 लाख कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन दिस फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग द फी ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द आरआरबी वेबसाइट 10 डेज बिफोर द एग्जाम, 10 दिन पहले आ जाएगा। तो करीब 13 जुलाई से आपकी सिटी और आपको प्लेस ऑफ एग्जाम पता चल जाएगा। ई कॉल लेटर्स जो हैं आपके फाइनल एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आपको एग्जाम से मिलेगा। नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बींग सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन द 7th फेज। तो अगर आपने जो भी अपनी ऑफिशियल मेल एंटर करी थी और मोबाइल नंबर एंटर किए थे, वहां पे मैसेज आ सकता है और आपको मेल भी आ सकता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो हेल्प डेस्क इन्होंने खोल रखा है। हेल्प डेस्क इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट्स। अपने अपने जोन की आरआरबी की वेबसाइट्स पर जाकर आप हेल्प डेस्क से अपनी सवाल को पूछ सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स, क्योंकि उन्हें पता है बहुत सारी फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट होती हैं, इसीलिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस इशूड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर। जो भी कॉल लेटर के साथ में जो भी कोविड गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना है। फेस मास्क मैंडेटरी है और एंट्री तभी अलाउ होगी जब आप प्रॉपर तरीके से फेस मास्क पहनेंगे, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ कैप्चरिंग फोटोग्राफ। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस अपलोडेड अलॉन्ग विद ई कॉल लेटर, पर्टिकुलरली बैंड आइटम, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं ले जानी है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका कुल मिला के 23 जुलाई से आपकी आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट होगा, ये यहां पर फाइनल है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका एसएससी के एग्जाम्स पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो देखिए, आपको इससे हमको एटलीस्ट ये बात पता लगती है, आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि SBI क्लर्क भी हमारा शेड्यूल्ड है और 10 जुलाई के आसपास SBI क्लर्क भी है। तो कुल मिला के जुलाई के मंथ में SBI क्लर्क भी आपका शेड्यूल्ड है। आरआरबी एनटीपीसी जैसा इन्होंने बताया है, तो ये भी आपका जुलाई के मंथ में शेड्यूल्ड है। और चाहे आरआरबी का एग्जाम हो चाहे एसबीआई का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आपका टीसीएस, यानी कि टीसीएस इज अगेन एक्टिव। अब जैसे ही एसएससी टीसीएस को आदेश देगा, आदेश जारी करेगा, टीसीएस आपके एसएससी के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा। तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि एक खबर भी आई थी अखबार में, तो हो सकता है, ऐसी संभावना है। अगेन जो कमेंट में जो लोग भी लड़ने वाले हैं और मुझे भला बुरा कहने वाले हैं, उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि ऐसी संभावना है। और मान लीजिए बच्चा जी अगर हो जाता है अगले महीने, तो आप फिर आपके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना होगा कि ऐसी संभावना है, फिर से मैं अपने शब्दों को कह रहा हूँ, संभावना है कि हो सकता है कि अगस्त में आपका CHSL का एग्जाम होना शुरू हो जाए। संभावना है CHSL में आपका अगस्त में हो जाए। ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। संभावना है कि अगस्त में या फिर मिड अगस्त से आपका एटलीस्ट CHSL शुरू हो। अगर ऐसा होता है तो सेप्टेम्बर में आपका CGL भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। ठीक है, अगर ये एग्जाम अगस्त में नहीं होता है तो फिर सेप्टेम्बर में CHSL होगा, और सेप्टेम्बर में CHSL नहीं होता है तो फिर अक्टूबर में CHSL होगा। कुल मिला के अगले 1-2 महीने में आपका CHSL और CGL का एग्जाम हो जाएगा। तो अब आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए कि आपका एग्जाम अगले 2-3 महीने में शेड्यूल्ड है,
चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, तो पूरा मन लगा के पूरी ईमानदारी से तैयारी करना शुरू करिए। देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट CHSL का एग्जाम अगस्त में और CGL का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे बैचेस शुरू हो चुके हैं। RC पैराजंबल और क्रॉस टेस्ट का बैच है, इसकी क्लास दोपहर में 3 से 4:30 बजे तक चल रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। नरेशन और वॉइस का कोर्स भी शुरू होगा जुलाई मंथ में ही, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है, आप इन्हें भी याद करने के लिए मेरे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। सारे ही बैचेस अनअकैडमी पे शेड्यूल्ड हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो सभी बैचेस का आपको लिंक मिल जाएगा। और डेली फ्री क्लास एक हमारी शेड्यूल्ड है शाम को 5 बजे, जिसमें हम लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट करते हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। इन सभी चीज़ों के लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए नहीं, या फ्री में अटेंड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMANT का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर और भी कई सारे बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ 4 जुलाई को अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसमें अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है तो आपको एप्पल आईपैड मिनी, सेकंड प्राइज आता है तो एप्पल एयरपॉड्स, और थर्ड प्राइज आता है तो आपको JBL के स्पीकर्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको 500 टॉप 500 रैंकर्स को अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं, जिनका यूज आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए भी आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMANT, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरी क्लासेस में अटेंड कीजिए। और अगर आपके अगर क्लासेस का लिंक और सारी चीज़ें आपको अपडेट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रील्स के माध्यम के आपको वोकैबुलरी पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और जैसा मैंने बताया, CGL की संभावना और CHSL की संभावना अगस्त सितंबर में बनती है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि तब हो जाए और रेलवे वाले बच्चे अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।